नमस्कार दोस्तों, यूबीरे का एथिक्स चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों रेडमी नोट 7 प्रो या रेडमी नोट 7 आप यूज करते हो तो आप लोगों को बहुत ही खुशखबरी है, वो है यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 10 का अपडेट आ चुका है। पूरा वीडियो में बताएंगे क्या क्या फीचर्स यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगा और मुझे जो है अपडेट करने के बाद क्या क्या फीचर मुझे मेरा नजर में यहाँ पर दिखा है, जो ये फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो में बनने से पहले आप लोगों को बता जाता हूँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सबसे पहले थी क्योंकि इस तरह मैं वीडियो लेके आता हूँ हमेशा। सो लेट गेट स्टार्ट। आप लोगों को बता जाता हूँ एंड्रॉइड 10 जो यहाँ पर अपडेट पुश कर दिया है यहाँ पर जो है कुछ कुछ डिवाइस के लिए है, वो है रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो, 8 और यहाँ पर 9 आप लोगों को यहाँ पर जो मिल जाएगा। जल्दी से सेटिंग में जाके अपडेट में आप लोग क्लिक कर दीजिए, देन आप लोगों को यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। 2 GB का अपडेट फाइल मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला है, आप लोग यहाँ पर इसकी में देख सकते हैं इस टाइप का। तो आगे दिखाएंगे आप लोग क्या क्या फीचर यहाँ पर चेंजेस मुझे मिला है। गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो जो अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को दिखाएंगे, पर देख सकते हो आप लोग सेटिंग्स पे। देखिए ये जो राउंड शेप है ना वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब देखने के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर वो है एंड्रॉयड 10 यहाँ पर जो आप लोगों को अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो 2020 का यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर जून महीने का मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग्स में उतना सारा फंक्शन आप लोग तो देखने के लिए नहीं मिलता, मेरे पास यहाँ पर जो जो मैं देखा है वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। स्पेशल फीचर में यहाँ पर जो है देखिए गेमिंग के लिए गेम टर्बो एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गेम टर्बो के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। वीडियो टूल बॉक्स में आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो कुछ फीचर्स है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग बता दूँ यहाँ पर जो है बैटरी सेवर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐप बैटरी सेवर। देखिए ऐप बैटरी सेवर पर्टिकुलर ऐप्स को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके बैटरी सेव करके आप लोग जो है आराम से यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन को। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं यहाँ पर सी में नेटवर्क में एक जो फीचर मुझे देखने के लिए मिला है वो है यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग्स। यहाँ पर जो है आप लोग को जो मोबाइल का नेटवर्क है उसको आप लोग जो यहाँ पर टेस्ट नेटवर्क कर सकते हो, मतलब यहाँ पर जो आपका आपका ऑन होना चाहिए डेटा यहाँ पर देखिए, उसका यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो कितना MBPS दे रहा है नहीं दे रहा है, आप लोग आपका जो सिग्नल यहाँ पर पोर है क्या है यहाँ पर सब। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ सबसे बढ़िया यहाँ पर जो चेंजेस किया है मुझे, जो बढ़िया चेंजेस किया है वो यहाँ पर जो आप लोग बता दूँ कैमरा में जाकर आप लोग बहुत ही यहाँ पर जो है आप लोग को सेम चेंजेस मिलेगा वीडियो मोड में। तो उसके बाद बताना चाहता हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड पे आप लोगों को जो बहुत नया नया यहाँ पर साउंड आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन शॉट का साउंड है, यहाँ पर जो है स्क्रीन लॉक का साउंड है, टैप टू साउंड है, डायल टू पैड टू, यहाँ पर देखिए डिलीट साउंड है, ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जो मेन फीचर्स है वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं यहाँ पर MI मूवर नाम के एक एप्लीकेशन यहाँ पर प्री इंस्टॉल कर दिया है, जो शेयर मी नाम के यहाँ पर जो एप्लीकेशन था पहले देखिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन का सेम टू सेम यहाँ पर जो फीचर्स उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद MI का यहाँ पर जो है ब्राउज़र का यहाँ पर लोगो चेंज कर दिया है, ठीक है, तो देखने के लिए कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कैमरा में आप लोगों को पता चलता है बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर चेंजेस किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए वीडियो मोड में जाके यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर 1080p 30 FPS में आप लोग यहाँ पर शूट कर सकते हो, उसके बाद 720p में यहाँ पर आप लोग शूट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में जाके आप लोग जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हो सेम यहाँ पर वीडियो क्वालिटी का यहाँ पर, ठीक है। स्लो मोशन में आप लोग चेंज कर सकते हो यहाँ पर देखिए वीडियो मोड। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रो मोड में फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही बढ़िया फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, देखिए प्रो मोड में यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत ही बढ़िया फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को ब्राइटनेस क्या करना है, आप लोगों को जो यहाँ पर जो फोकस पॉइंट जो है आप लोगों को क्या करना है, ब्लर कितना करना है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग जो है आराम से सेट कर सकते हो, देखिए फ्रेंड आप लोग को बताऊँ सेम यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा भी सेम यहाँ पर जो फीचर्स लाया है, ठीक है, लेकिन सेटिंग्स में यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया है मेरे हिसाब से, देखिए यहाँ पर सेटिंग्स में सब सेम ही है। उसके बाद फ्रंट कैमरा में भी सेम आप लोग को यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p में आप लोगों को मिल जाएगा, सेटिंग्स में यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं किया है।
सो गाइस ये मुझे लगा है, और इसके बाद आप लोग को बता देता हूँ ये टच जो स्पीड बहुत ही यहाँ पर जो बढ़िया हो गया है, बहुत ही मतलब स्मूथ हो गया मेरे हिसाब से। यहाँ पर टच का यहाँ पर जो है कैपेबिलिटी बहुत ही स्मूथ हो गया, और यहाँ पर जो है ट्रांजिशन बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए, ये सब चेंजेस मुझे देखने के लिए मिला है। और लगभग आप लोग ये जो है यूज़ कर सकते हो, इसमें जो मुझे कुछ भी बग्स वगैरह अभी नहीं दिखा, बहुत स्मूथ लगा है मुझे बस यही। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट से बताना, इसी तरह वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मैं भी सर दूसरे टॉपिक के, तब तक लिए जय हिंद।